तो हाँ गाइज, फाइनली मार्वल वालों की इको सीरीज जो है वो आज रिलीज हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सिर्फ 5 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 30 से 40 मिनट के बीच की रखी गई है, और हिंदी डब में भी ये शो अवेलेबल है। तो मैंने चेकआउट अभी अभी बस दोस्तों ये सीरीज को कर लिया है। तो कैसी लगी सीरीज, मुझे आपको देखना चाहिए नहीं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस शो के बारे में बात करें तो भाई नो डाउट, इसकी ये जो कैरेक्टर हम हॉकाई सीरीज में देख चुके हैं, और हॉकाई सीरीज को मैंने देखा था और वो सीरीज काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। जिस तरीके से एंडिंग दोस्तों शो की हुई थी, वो सारी चीज़ें इसके एपिसोड 1 में ही क्लियर अप करने की कोशिश की गई है। किस तरीके से माया की जो ज़िंदगी दिखाई गई है, उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसके जो कातिल को वो ढूंढने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं उसे पता लगता है कि उसके बॉस ने ही वो सारी चीज़ें की थी, यानी कि किंग पिन ने। और दोस्तों हमें इसके एपिसोड 1 में देखने को मिल रहा है कि माया की मॉम की डेथ किस प्रकार से हुई थी, क्यों माया का एक पैर नहीं है, मतलब उसकी जो पर्सनल स्टोरी रही है वो भी सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की गई है। और माया के कैरेक्टर से आप इतनी हद तक कनेक्ट हो जाओगे कि दोस्तों शायद मार्वल के किसी और कैरेक्टर से, मतलब जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर होते हैं ना वैसे। तो इसकी स्टोरी बहुत डिटेल में दिखाई गई है, और माया की स्टोरी जानकर के आपको मज़ा आएगा। आगे दोस्तों स्टोरी में मुझे ज़्यादातर बढ़िया चीज़ें ये लगी कि एक्शन सीक्वेंसेस जो दिखाए गए हैं, क्योंकि माया ज़्यादातर दोस्तों कराटे टाइप ही फाइट करती है, तो फाइट सीन्स जो एक्शन सीन्स लगे मुझे वो काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब लगे। सीरीज में डेयर डेविल की भी एंट्री दिखाई गई है, उसके साथ में भी वो अच्छी खासी फाइट करती है, और दोस्तों अपने बॉस के लिए जो वो काम करती है उसके, मतलब पिछली वाली जो ज़िंदगी है वो भी देखने को मिली है। ओवरऑल दोस्तों स्टोरी में बहुत कुछ है देखने के लिए, और आपको दोस्तों एक्शन सीन्स देखकर बढ़िया लगेगा। कुछ कुछ माया के इमोशनल मोमेंट्स है, और माया क्यों ऐसी बन चुकी है और वो बदला लेती है नहीं, क्या कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें भर भर के स्पॉइलर भी हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोस्तों मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सीरीज को जाकर जरूर से चेकआउट करो, क्योंकि दोस्तों थोड़े टाइम से मार्वल की जो ढंग की सीरीज रिलीज नहीं हो रही थी, लेकिन इस सीरीज में वो बात है जो कि एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगी, और इसकी जो मिस्ट्री थ्रिलर वाली और फाइटिंग वाइटिंग वाली जो चीज़ें है आपको जरूर से पसंद आने वाली है। तो यही मेरा क्विक रिव्यू है दोस्तों इस सीरीज को लेकर, इको को लेकर। क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।